गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर आज मैं तुहानू अपना गार्डन का व्यू दिखा रही हूँ। प्लांट्स तो फ्लावर्स तो लगभग सेम है, पर कुछ नवे जिहड़े फुल आ निकल रहे हैं आ रहे हैं, तो देखो तुसीं नवे कुछ फुल निकले है गार्डन पॉपी दे। देखो गार्डन पॉपी जी है बड़े सोहने फुल लगते हैं, वाइट कलर दे भी होंगे पिंक भी होंगे है। ये मेरे को मेरे गार्डन दे विच इस बार रेड कलर दे और टमैटो रेड फ्लावर्स है। नवा पटूनिया निकलिया है। देखो अज मैं तुहानू एक होर बड़ी इंट्रस्टिंग चीज़ दिखाउन जा रही हूँ अपने गार्डन दे विच, वो हैगी है अंब दे पौधे नू। साडे नू बूर पै गया, देखो तुसीं इहनू देखो बूर पै गया। हुण देखदे आ इहनू फ्रूट अंब लगते हैं या नहीं, पर एक बार बूर जरूर आ गया। ये जिहड़ा अंब का पौधा असीं गुठली सिटी सी गमले दे विच, ते गमले दे विच उगया आया सी असीं, क्योंकि साडे घर जो भी पौधा उगे आउंदा सी उहनू पट के सुटदे नहीं, साडा पट्टण नू दिल नहीं करदा उहनू बिल्कुल भी। तां ये इवें गमले विच खड़ा है, 2 साल हो गए इहनू, ते नाल ही दे नारंगी का बूटा भी है। तो हुण इस बार ने देखो तुसीं बूर लग्या कि टाणी नू, शायद इधर भी आ जाए ना टाणियां दे उपर भी, वो देखते हैं क्योंकि टाणी पुरानी सी पिछले साल दी, ये नवियां निकलियां इन्हां ते शायद ना आवे। तो मैनू लगता कि पुरानी टाणी दे उपर ही बूर आउंदा, ते जदों ये हले गमले दे विच ही रहूगा क्योंकि इहदे वास्ते सफिशेंट स्पेस हैगी है ग्रो करन वास्ते। जदों थोड़ा वड्डा होगा तो यह गमला भी कोई बहुता स्ट्रोंग नहीं हैगा, इन्हें अपने आप ही जदों जड़ां वधनगियां तो इन्हें अपने आप ही क्रैक हो जाना, तो फिर इन असीं किसी सेफ जगह दे उत्ते लगा देंगे। ये मैं तुहानू अज दिखाउण वास्ते वीडियो जिहड़ी है बनाई है तां कि तुहानू तुहाडे नाल शेयरिंग कर सकां, अपनी खुशी नू शेयर कर सकां तुहाडे नाल। क्योंकि जदों असीं फ्लावर्स लगाउणे आ जां घरे कोई भी पौधा लगाउणे आ तां उहनूं जदों फुल आउंदे आ जां उहनूं फ्रूट आउंदा है तां मन नूं बड़ी खुशी हुंदी है, माली नूं तां खास करके लगाउण वाले नूं जिहने पौधे लगाए हुंदे आ मन बड़ा ही खुश हुंदा देख के। ते फिर साडा मन इह वी करदा हुंदा कि जिहड़ी चीज़ नूं देख के सानूं खुशी होई असीं अगों वी शेयर करिए अपनी खुशी नूं, तां उह मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਜੰਟਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਰੋਥ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਿੜਨ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਲਾਰ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ, ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਈ।
पेस्टिसाइड दी, ते उहदे नाल फिर ये बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। तो हुण देखो शायद इहनूं ज़्यादा फुल आउण। पंछी बोल रहे है दे अनार नूं भी फुल आए हुए है, वह मैं तुहानूं कल नूं शेयर करांगी वीडियो। अज लई फ्रेंड्स इन्ना ही, तुहाडे नाल मैं ही करनी सी शेयरिंग। एक होर तुहानूं मैं गल दसना चाहुंदी हां कि अंब है जिहड़ा, अंब नूं सर्दी भी मारदी है, ज़्यादा सर्दी जदों कोहरा पैंदा तां इह उत्तों ढकिया होवे तां ठीक रहिंदा, फिर इहनूं कोई सुकदा नहीं पौधा। तो इहदा इस पौधे दे ग्रो करन दा कारण इह भी है कि गुलाब दे बूटे दे थल्ले पिया, उधरों अंजीर सी, अंजीर दे पत्ते ते गुलाब दा जिहड़ा बूटा ने इहनूं ठंड तों बचाई रख्या, ते पानी तां इहनूं सफिशेंट अमाउंट दे विच मिल ही जांदा, ना इहनूं बहुता ज़्यादा पानी चाहिए ना इहनूं घट, एप्रोप्रिएट अमाउंट दे विच पानी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ते तुहाडा जिहड़ा हैगा पौधे बड़े वधिया ग्रो करदे आ। फिर अज लई फ्रेंड्स इन्ना ही, कल नूं एक नवी वीडियो दे नाल आवांगी। तद तक लई धन्नवाद जी, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।